मंत्री डोगरा दिल्ली अप टू डेट में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। कैसे बनेगी नई दिल्ली नगर पालिका परिषद स्मार्ट सिटी, देखें ये रिपोर्ट। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है, किंतु इस शहर में देश निर्माण में अपना अभूतपूर्व योगदान देने वाला वर्ग पूरी तरह से अपेक्षित दिखाई देता है। वर्ष का पुनः रोजगार प्रदान किया जा रहा है, वहीं स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अपने शिक्षकों के साथ अन्याय कर रहा है और उन्हें अर्थात रिटायरमेंट के बाद किसी भी प्रकार के अन्य सहयोग के लिए तैयार नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधीक्षकों व नियमों के अंतर्गत शिक्षकों को रिटायरमेंट के बाद 2 वर्ष का अतिरिक्त पुनः रोजगार प्रदान किया जा सकता है और दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों में ऐसा भी किया जा रहा है, जबकि दिल्ली एक अतिरिक्त इकाई अर्थात नई दिल्ली नगर पालिका परिषद इसी प्रकार के आदेशों का पूर्णतः अवहेलना कर रहा है। धूम्रपान निरोधक कोटपा एक्ट 2003 को प्रभावी तरीके से दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी लागू करवाएगी, देखें रिपोर्ट। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने धूम्रपान निरोधक कोटपा एक्ट 2003 को प्रभावी तरीके से लागू करवाने के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ज्ञानी गुरबचन सिंह जितेंद्र श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा इस संबंधी आज कमेटी अध्यक्ष मनजीत सिंह जे के को भेजने गए हिदायत पत्र के बाद यह फैसला ले लिया गया है। बीते दिन धूम्रपान का विरोध कर अपनी जान गंवाने वाले सिख नौजवान गुरप्रीत सिंह की मौत के बाद वॉइस ऑफ टोबैको विक्टिम का एक प्रति मंडल उक्त मांग को लेकर जितेंद्र को मिला था, जिसके बाद जतेधार द्वारा शिरोमणि कमेटी को पंजाब एवं दिल्ली कमेटी को केंद्र सरकार को कोटपा एक्ट प्रभावी तरीके से लागू करवाने के लिए हिदायत पत्र जारी किए गए थे। इस संबंध में जीके ने बताया कि उन्हें कमेटी के कानूनी विभाग चेयरमैन जसविंदर सिंह जोली को एक्ट संबंधी पूरी खोज करने के बाद रिपोर्ट सौंपने की हिदायत दी है। 1 अक्टूबर से नई एमआरपी पर बिकेगा सामान, जब्त होगा पुराना सामान, देखें ये रिपोर्ट। जुलाई में जीएसटी लागू होने के बाद सरकार ने कंपनियों को पुरानी एमआरपी का माल खत्म करके 3 महीने यानी 30 सितंबर तक समय दिया गया था। अब 1 अक्टूबर से दुकानदार पुराने एमआरपी पर सामान नहीं बेच पाएंगे। 30 सितंबर को सरकार की ओर से दी गई पुराने सामान बेचने की अवधि समाप्त हो रही है। अब वस्तुओं को नए दाम पर जीएसटी के बाद सामान की कीमतों में आए बदलावों के आधार पर लागू होंगे। साथ ही अगर किसी दुकानदार के पास पुराने नोट वाले स्टॉक पाया गया तो वह जब्त हो जाएगा। पेट्रोल डीजल महंगा होने के खिलाफ आपका पेट्रोलियम मंत्रालय पे प्रदर्शन, देखें ये रिपोर्ट। पेट्रोल व डीजल की ज्यादा कीमतों के खिलाफ मंगलवार को आम आदमी पार्टी के करीब 40 सदस्यों ने पार्षदों ने शास्त्री भवन के बाहर प्रदर्शन किया, जहां दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। आपने पेट्रोल व डीजल के ज्यादा कीमतों के खिलाफ देश भर में हफ्ते भर से हो रहे विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसी के तहत शास्त्री भवन स्थित पेट्रोलियम मंत्रालय का घेराव करने पर पार्टी ने घोषणा की थी। पुलिस के एक अधिकारी ने INS से कहा कि प्रदर्शनकारियों में प्रमुख तौर पर आपके स्थानीय निकायों के पार्षद शामिल थे। इन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने भेज दिया है। विरोध प्रदर्शन कर रहे आपके पार्षदों व सदस्यों ने पुलिस द्वारा उन्हें हटाए जाने का विरोध किया। इनमें महिला कार्यकर्ता भी शामिल थी। प्रदर्शनकारी को पुलिस ने बलपूर्वक हटाया। प्रदर्शनकारी मोदी तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी नारे लगा रहे थे। इससे पहले 20 सितंबर को आपके विधायक ने प्रदर्शन किया। आपका विधायक पेट्रोलियम मंत्री से मिलने चाहते थे। प्रदर्शन कर रहे विधायकों ने पुलिस से शास्त्री भवन के पास हिरासत में ले लिया था। जुकरबर्ग को झटका, चीन में पूर्णतः व्हाट्सएप पर प्रतिबंध, देखें ये रिपोर्ट। फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग को चीन में दोबारा पांव पसारने के प्रयास में उस वक्त झटका लगा जब चीन के लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस सेवा व्हाट्सएप के वीडियो वॉइस चैट और तस्वीरों पर प्रतिबंध लगाने के बाद इसकी टेक्स्ट सेवा पर भी प्रतिबंध लगा दिया। फेसबुक ने 2014 में व्हाट्सएप का अधिग्रहण कर लिया था।
एक रिपोर्ट के अनुसार सेंसरशिप निगरानी और ट्रैफिक जोड़ तोड़ की पहचान करने वाले वैश्विक ऑब्जर्वेशन नेटवर्क ओपन ऑब्जर्वेटरी ऑफ नेटवर्क इंश्योरेंस के अनुसार चीन के इंटरनेट सेवा प्रदाताओं ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ लोगों ने 19 सितंबर को ट्विटर पर व्हाट्सएप बंद होने को इशारा भी किया था। पिछले कुछ महीनों से चीन में व्हाट्सएप की सेवाओं को लेकर कुछ बाधाएं भी आ रही थी। जीएसटी की चपेट में अब रावण भी, देखें ये रिपोर्ट। रावण के पुतले का बाजार इस बार माल एवं सेवा कर की मार से नहीं बच पाया है। पुतला बनाने में काम आने वाली तमाम सामग्रियों के दाम बढ़ चुके हैं। पिछले साल की तुलना में लागत में काफी इजाफा हुआ है। पुतला बनाने में कारीगरों का कहना है कि लागत बढ़ने की वजह से इस बार छोटे पुतलों का ही ऑर्डर आ रहा है। वहीं कुंभकर्ण और मेघनाथ पुतलों की तो मांग ना के बराबर रह गई है। पश्चिमी दिल्ली के तितारपुर राजधानी में रावण पुतलों का प्रमुख बाजार है। 1973 में पुतले बनाना शुरू हुआ था। तातरपुर के पुतले दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और गुजरात तक भी जाते हैं। इसके अलावा कई बार विदेशों से भी ऑर्डर आते हैं। कुछ साल पहले यहां पर रावण का पुतला ऑस्ट्रेलिया के सिडनी भी भेजा गया था। इस बार अगस्त में 2 पुतले अमेरिका भेजे गए हैं। यह एक अस्थायी रूप से दुकान 20 से 30 कारीगर काम करते हैं। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें मेरे यानी अंजलि डोगरा के साथ। देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।